कैसे हो दोस्तों? ठीक हो तो? गर्मी भाई बहुत पड़ी है। पता है आज तो है शुक्रवार, बुधवार नहीं है और रात बहुत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इच्छा हुई कि बाबा मुझे जो कविता बुधवार के लिए दे चुके हैं उसको कम से कम आज तो ले ही आऊं आप लोगों के पास अनुवाद अनुवाद करके। सही में बोलूं तो आज की जो कविता है उसकी शीर्षक है कांटा तार। तो कांटा तार का अर्थ क्या बोलूं, फेंसिंग के लिए जो कांटे वाले जो तार की इस्तेमाल होती है ना वही है। तो अब ऐसा है कि ये कविता इतने सारे अनुभव को, अनुभूति को मेरे अंदर जागृत कर दिया था या अभी भी कर रहा है कि मैं आप लोगों के सामने ये कविता लेके आने की हिम्मत जुटाते जुटाते और ऊपर से इतनी कम गर्मी पड़ी है ना उसमें खुद को लग रहा है कि मैं उबल रही हूँ, तो आज वैसे मैं अपने कर्म क्षेत्र में नहीं जा पाई सही में। तो आज पूरा दिन जब बॉयल हो रही थी तो खुद को खुद ही बोल रही थी कि चलो भाई आज मन ही मन मन को भी एक बार मंथन कर ले और आप लोगों के सामने लाऊं। तो अभी इतने देर रात्रि में इतने गहरी रात्रि में आप लोगों के लिए ला रही हूँ मैं आज की कविता, नहीं बुधवार की कविता, शुक्रवार में, कांटा तार, लेखक श्री तिमकोरी पात्रो। तो शुरू करें। कांटा तार, लेखक श्री तिमकोरी पात्रो। तुम हो तब क्यों इतना डर, क्यों इतनी थकान आती है, क्यों हमेशा डूब जाती हूँ मैं हताशा में। जानती हूँ अन्याय विपत्ति जितने सारे हैं खत्म होगी, मिलेगी न्याय, होगी जय, बड़ी जय, नहीं बड़ी विजय। तुम्हारे सौरभ तो चारों तरफ चहु दिशाओं को सुरभित करके रखा है, मुखरित करके रखा है विश्व चराचर। तुम हो तब भी ये जटिलता क्यों है, क्यों ये अंधापन है, क्यों ताक झांक करता रहता है ये अंधापन मन के अंधेरे में, दिन के समाज के उजाले पे क्यों 12 महीना कभी ना कभी सामने आ जाता रहता है, आती जाती रहती है। तुम हो है मुक्त पवन, है विशाल आकाश, सीमाहीन असीम विस्तार, नियोजित है प्राण सुरक्षा में, तब भी इस असीम के मझधारे, फिर भी इस असीम के मझधारे क्यों इतनी यातना, इतनी ग्लानी, इतना संघात, क्यों ढोके लाती है ये तुच्छ सी कांटा तार, क्यों सीमा होके आती है, क्यों असीम को बांधती है, तोड़ देती है ससीम में, क्यों तोड़ती है विश्व को, विश्व संसार को, क्यों तोड़ती है विश्वास ये तुच्छ सी कांटा तार। असीम में तुम हो लेकिन मिट्टी में कांटा तार, किसका जय किसका पराभव के है, किसका जय किसका पराभव और कौन है परात पर, पता नहीं कौन है। लेकिन सही में आज की संसार मुझे क्यों लग रही थी, जब मैं पहली बार इसको बांग्ला में पढ़ रही थी इस कविता को, मन ही मन एक चीज़ बार बार आ रही थी, आज के ज़माने में सादा और काला, मतलब सफ़ेद और काला, ये दो रंग के पैलेट नहीं है, सफ़ेद और
सफेद और काला इन दो रंगों के बीच में ग्रे स्केल में खूब सारे वेराइटीज है, और ऊपर से असीम में रंगों की ससीम कालुकृति तो है ही। पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, यही जिंदगी है। हाँ, दिक्कत उन लोगों को थोड़ी बहुत आती है जिनके लिए जिनके पैलेट में सिर्फ काला और सफेद रहता है। रंगों के मेले में हाँ, ब्लैक एंड वाइट बहुत अजीब है। है ना। तो चलिए फिर से और कुछ हम उपस्थापना लेके हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा।